की गाड़ी ले ली थी हेक्सा, तो उस टाइम यूजुअली सबको पता है 2017 में तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि लोग टाटा पे इतने रिलायबल रहते थे. हाँ तो मुझे, मैं किसी को एक्चुअली पिकअप करने गया था, उनने पूछा था कौन सी गाड़ी है यार, ये टाटा की ले ली तुमने? हाँ उनने मेरे से बजट पूछा था कितने की है ये. तो मैंने बोला कि मैंने 18.5 की ली. तो उनने एकदम शॉकिंगली बोला था 18.5 की तुमने टाटा ले ली. 18.5 की टाटा ले तो ली मैंने बोला आप बैठो सबसे, तो अभी चलते हैं. चलते तो हैं। उसके बाद फिर उनका थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ इसमें जब बैठे. 4.5 साल हो गए हैं हाँ। और मेरे घर में इतनी स्पेस नहीं कि मैं इसको लगा लूं. लगा ये लूं बाहर ही हर वेदर में बाहर रही है, समर्स, विंटर्स, मानसून, मतलब सारे वेदर में रही है. गाड़ी पूरी रफ एंड ये टफ है, रगेड बेसिकली गाड़ी रफ है। एंड टफ टैंक, एक टैंक बोल हाँ सकते हो आप, टाटा का क्योंकि टैंक। टाटा का टैंक है, बहुत फेमस है ये इस वर्ड. हाँ तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं कार्स विद शिवांश, और आज हमारे पास जो गाड़ी आई है वो है टाटा हेक्सा। आज इसके ओनर से मिलेंगे अपन, सारी बातें जानेंगे, उनने ये गाड़ी क्यों ली और इसमें क्या उनको दिक्कतें फेस हुई या क्या उनको अच्छा लगा, तो सब जानते हैं इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। तो गाइज आज अपने साथ हैं सूर्यकांत भाई। सूर्यकांत भाई चैनल पे व्यूअर्स को हाय बोल दो एक बार। हाय एवरीवन. और सूर्यकांत भाई की है टाटा हेक्सा, तो आज सब मिलते हैं अपन, जानते हैं सूर्यकांत भाई से कि उनने क्यों ली। तो सूर्यकांत भाई ये बता दो सबसे पहले कितने की पड़ी थी और कौन सा मॉडल है? ये है हेक्सा का XT मॉडल. ये 2017 में ली थी नवंबर के मंथ में, एंड समवेयर अराउंड 18.5 लाख कॉस्ट आई थी इसकी उस टाइम. 18 लाख के, 18.5 लाख के आसपास आपको इसका प्राइस पड़ा था। बहुत अच्छे फ्रेंड ने रिकमेंड किया था आप टाटा हेक्सा पे जाएं, क्योंकि यूजुअली मैं कार गाय हूँ नहीं. तो भाई बाइक गाय हैं, उनकी टी शर्ट से ही आपको समझ में आया होगा, रॉयल इनफील्ड। बहुत उन्हें लद्दाख मार चुके हैं जबलपुर से, तो बहुत एक्सपीरियंस है बाइकिंग का। तो कार का जब प्लान बना तो काफी कंफ्यूज थे। देखिए तो सबसे पहले कौन सी गाड़ी देखी थी इसको लेने के टाइम? सबसे पहले हमने, क्योंकि हमारा बजट 15.5 लाख का था, 15-15.5, तो हमने क्रेटा डस्टर देखी थी जो उस बजट रेंज में फिट हो रही थी. फिर एक बहुत अच्छे फ्रेंड ने हमें रिकमेंड किया था कि आप एक बार टाटा भी देखिए, हेक्सा आई है, नई गाड़ी है, बढ़िया है. तो हमने इसको देखी, मैंने अपने लेवल्स पे एक रिसर्च करी. तो उस टाइम 15.5 के आगे, मतलब 15.5 से ज़्यादा इसका टॉप मिड वेरियंट था. तो प्लान बनते बनते हमें, मैंने भी रिसर्च करी, तो टॉप वेरियंट हमें ज़्यादा पसंद आया. हमने बजट एक्सटेंड किया थोड़ा अपना. हाँ और उस टाइम अगर जो हमारा बजट था 18-18.5 लाख की ये पड़ी है, तो उस टाइम इनोवा एक बहुत अच्छा कॉम्पिटिटर था टाटा हेक्सा का. तो बेसिकली हमने दोनों में रिसर्च करी, लेकिन उसमें मुझे टाटा हेक्सा इसलिए बेटर लगी क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस प्लस आप टायर साइज दे सकते हैं 19 इंच के आ जाते हैं, अलॉय रिम्स हैं. एंड सबसे एक इम्पैक्ट देने वाला डिफरेंस ये है कि इसकी मेन सर्विस होती है 20,000 में सबसे ज़्यादा. अच्छा मेरे को नहीं पता था ऑयल चेंज, मतलब जो मेजर सर्विस है वो 20,000 में है. इनोवा में गाड़ी क्योंकि एक्सपेंसिव भी है, प्लस उसका सर्विस हर 10,000 किलोमीटर्स पे है. हाँ हाँ तो एक ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव. ये बताओ सूर्यकांत भाई, जब अपन लोग ये गाड़ी ले रहे थे तो गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये गाड़ी लेने के टाइम क्या थी कि टाटा की रेपुटेशन बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और सिर्फ ये लॉन्च हुई थी 2017 में, और भाई ने ये गाड़ी उसी के आसपास ले ली 2017 के, हाँ नवंबर में ही ले ली थी 2017 के. तो उस टाइम पे ऐसा डर सा नहीं लगा यार कि टाटा उस टाइम जेस्ट, बोल्ट ये सब गाड़ियां बेचता था और अच्छी सर्विस भी नहीं थी, शोरूम में भी जाओ तो मजा नहीं आता था. एग्जैक्टली, क्योंकि आजकल के जो शोरूम से किया कि आप देख लीजिए बढ़िया इंटीरियर एंड ऑल, एंड मेजर उनका ध्यान सेल सर्विस में बहुत ज्यादा रहता है. हाँ हाँ तो उतना डर था, बट हमें रिकमेंडेड जिनने करी थी वो बहुत ही नोन पर्सन है मेरे लिए. अच्छा. और गाइडेंस मैं उनसे काफी ले चुका हूँ, तो एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर था इसमें. हाँ हाँ. बट लेकिन लेने के बाद मुझे ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगता है कि 17 में जब नेक्सॉन भी रिलीज हुई थी, जब नेक्सॉन लॉन्च हुई थी सॉरी, तो वो गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, आते ही साथ परफॉर्म बहुत अच्छा कर रही थी, इवन स्पेक्स भी बहुत अच्छे हैं उसके. एंड सेल सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस भी, देखिए सेल सर्विस सब जगह 19-20 रहती है, चलती है, इसका चलती मैं कहूंगा कि 18-20 है. 18-20 है, हाँ बिल्कुल सही बात. आज तक 87,000 चला चुका हूँ मैं, सिर्फ मेरी सेल्फ ड्रिवन है, शायद 1,000 किसी और ने चलाई होगी, सेल्फ ड्रिवन है मुझे. एज सच कभी भी कोई इशू नहीं हुआ इसको लेके कि नहीं यार ये आज एसी परफॉर्म कर रही है, कल एसी परफॉर्म कर रही थी, ऐसा कोई मुझे इशू नहीं आया. हाँ कॉन्स इसमें है. कॉन्स की मैं बात करूँ तो इसमें जो 19 इंच के अलॉय हैं, यूजुअली काफी लोगों को, ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, कई लोग को ये हुआ है कि हाईवे पे टायर्स बस्ट हुए हैं क्योंकि 19 इंच के हैं.
तो कंपनी ने, मैं बताता हूँ ना, इसका जो ये 19 इंच का अलॉयस थे इसमें आई थी प्रॉब्लम, और फिर टाटा ने इसको जब 2018 में अपडेट करके 18 इंच या 17 डाल दिए थे, 18 इंच डाल दिए एक्सटी मॉडल में, और जो आपका एक्सएम मॉडल आता है उसमें इन्होंने 17 इंच के डाल दिए, 17 इंच के डाल दिए, 18 इंच के हिसाब से बहुत अच्छा परफॉर्म करती, इवन 19 इंच में भी ये बहुत, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी। इसमें गाइस जैसा आप देख सकते हो वेरिकोर 400 इंजन आ जाता है, तो ये टाटा हैरियर BS4 से 10 BHP ज्यादा है, 150 BHP का इंजन है और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क भी है जो कि 50 Nm ज्यादा है अपनी टाटा हैरियर। सूर्यकांत भाई परफॉर्मेंस कैसी लगी इसकी, कोई उसमें प्रॉब्लम लगी? परफॉर्मेंस में मेरे को ऐसे, क्योंकि मैंने एक, मेरे लिए बहुत नई गाड़ी थी, मैंने अपग्रेड ही, हमने आप समझे 20 साल बाद ही अपग्रेड किया था, 20 साल बाद। हम इसके पहले मैं जीप ही चलाई है, जो ओल्ड महिंद्रा की जीप्स आती है, महिंद्रा मार्शल, मैंने जीप्स ही चलाई है यूजली, तो मेरे लिए ये बहुत अच्छा अपग्रेड था, क्योंकि एकदम टेक्नोलॉजी चेंज ही है पूरी, आप समझिए एक जीप गाय अगर एक लग्जरी गाड़ी पे शिफ्ट होता है तो एक पूरा ही माइंडसेट चेंज हो जाता है, पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है, तो मेरे लिए तो ये मोर देन इनफ है और शायद अनरिप्लेसेबल है ये गाड़ी, अनरिप्लेसेबल है। तो गाइस अब एक बार गाड़ी के अंदर चलते हैं और कुछ आपको चीजें बताते हैं, बाकी की बात गाड़ी के अंदर करते हैं। तो गाइस जैसा देख सकते हो हम लोग गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, गाड़ी ये जो है 6 सीटर वाला वर्जन है सूर्यकांत भाई का, कैप्टन सीट्स इसमें आ जाती हैं। अब यहाँ देख लो कितना ज्यादा नी रूम मिल रहा है मुझे, हेड रूम भी काफी अच्छा है, और पीछे भी आपको एसी वेंट्स मिल जाएंगे, 12 वोल्ट का चार्जर, एक यूएसबी मैगजीन होल्डर है यहाँ पे। तो सूर्यकांत भाई अपना कैसा रहा पीछे, कंफर्टेबल? तो गाड़ी बहुत ज्यादा यार, जैसे इधर पे पूरा कैप्टन सीट्स का जो कंफर्ट है वो काफी अच्छा लगता है। क्यों बेसिकली क्या है, ये गाड़ी मैंने मतलब चलाई ज्यादा है, बैठा पीछे में कम हो लेकिन हम लॉन्ग ड्राइव पे एडजस्ट कर लेते हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके लेवल से मैं आपको बताता हूँ कि मैंने दिन में एक बार में 500 किलोमीटर का किया हुआ है, तो हमारे हिसाब से तो वो ठीक रहता है, लेकिन जो पेरेंट्स को, जो एल्डरलीज हैं, उनको फटीक जो महसूस होता है, उनको तो 200 किलोमीटर में अच्छा नहीं लगता है। लेकिन इसमें आज तक कभी मेरी मदर ने कंप्लेन नहीं करी कि यार तुमने ऐसी गाड़ी ले ली, बहुत फटीक महसूस होता है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन ये हमने कैप्टन सीट वाला वर्जन लिया था, तो ये तो मोर देन इनफ है, शायद बहुत ज्यादा कम्फर्टेबल है, कम्फर्टेबल है, आप इसको फुल्ली रिक्लाइन करके भी आराम से ले सकते हैं, बढ़िया। एंड इवन सब हर कैप्टन सीट में एक लंबर सपोर्ट है, इसमें बेसिकली उसका सस्पेंशन सिस्टम नहीं पसंद आया, बिल्कुल नहीं पसंद आया, क्योंकि जो अपन बेसिक एक भाषा में बोलते हैं पटकती है गाड़ी, वो सही बोल रहे हो, बिल्कुल अच्छा, सही बोल रहे हो। पिकअप के मामले में बहुत अच्छी, बहुत थी, अच्छी थी। एंड कुछ रिव्यूज मैंने देखे थे कि कुछ किलोमीटर चलने के बाद बहुत इंटीरियर भी नॉची सा हो जाता है, सब आवाज करता है। और एक चीज मैं बता दूं, उनमें काफी दिक्कत आती थी XUV 500 में, जैसे उसका जो इंजन रहता था गाइस, वो काफी ज्यादा आवाज करने लगता था उसकी गाड़ी के हिसाब से, और परफॉर्मेंस गाड़ी की काफी गिर जाती थी कुछ टाइम के बाद 500 की। और इसमें मैंने सुना है कि हेक्सा में भी ऐसा नहीं कि पूरी कॉर्न फ्री हो गाड़ी, मैंने सुना है कि कुछ है दिक्कत, जैसे कई कई लोगों के वाइपर नहीं चढ़ रहे थे, मतलब बटन नहीं काम कर, ऐसा कुछ हुआ अपना एक्सपीरियंस? मेरा आज तक तो ऐसा नहीं, ऐसा कोई नहीं, क्योंकि 4.5 साल हो गए हैं, और मेरे घर में इतनी स्पेस नहीं कि मैं इसको लगा लूं। बाहर ही हर वेदर में बाहर रही है, समर्स विंटर्स मॉनसून सारे वेदर में, मतलब गाड़ी पूरी रफ एंड टफ है, रगेड गाड़ी है, एक टैंक बोल सकते हैं, टाटा का टैंक है, बहुत फेमस है ये वर्ड, सही है इस गाड़ी के लिए। इसमें मेजर मेरे को जो लगता है कि गियर बॉक्स नौची है, क्योंकि बनी बात है BS4 है, सफारी वाला इंजन है, थोड़ा इस पे वर्क अगर टाटा करती तो और अच्छा रिस्पॉन्स। 10 स्पीकर्स आ जाते हैं गाइस, स्पीकर्स हैं इसमें, 10 JBL के स्पीकर्स, एंड एक अपना पीछे डिक्की में सब वूफर है। तो गाइस जैसे कि इसमें आपको सन ब्लाइंड्स भी मिल जाएंगे, उस टाइम पे बहुत कम गाड़ियों में देखने मिलता था सन ब्लाइंड्स वाला फीचर। और जो इसकी सीट्स का कम्फर्ट है, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, मेरी हाइट तो उतनी ज्यादा नहीं है, सूर्यकांत भाई अपने अच्छे हैवी हैं, तो उनके हिसाब से तो यार काफी कंफर्टेबल गाड़ी है। हमने इसीलिए इतनी बड़ी गाड़ी ली थी क्योंकि मेजरली हमारे यहाँ सारे ही थोड़े हैवी, हेल्दी हैं यार, हेल्दी बोल सकते हैं अपन, हेल्दी पर्सनैलिटीज सब रहते हैं, तो और होना भी चाहिए यार, इतना ज्यादा कंफर्ट, इतनी गाड़ी आप महंगी ले रहे हो। और भाई ने तो एक तरीके से जैसा गैम्बल ही किया था उस टाइम पे टाटा में, क्यों, एक किसने क्या बोला था आपको जब आपने ली थी 18 लाख की गाड़ी ले ली थी हेक्सा, तो उस टाइम यूजुअली सबको पता है 2017 में तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि लोग टाटा पे इतने रिलायबल रहते थे, तो मुझे
मैं किसी को एक्चुअली पिकअप करने गया था, तो उन्होंने पूछा था कौन सी गाड़ी है यार, ये टाटा की ले ली तुमने? हाँ। उन्होंने मेरे से बजट पूछा था कितने की है ये। मैंने बोला कि मैंने 18.5 की ली, तो उन्होंने एकदम शॉकिंगली बोला था 18.5 की तुमने टाटा ले ली? 18.5 की टाटा ले ली सबसे। बैठो तो अभी चलते हैं, चलते हैं। तो उसके बाद फिर उनका थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ इसमें जब बैठे, क्योंकि उनके पास इनोवा थी। हाँ। उसके बाद वो पीछे कैप्टन सीट में बैठे, तो उनको ऐसा मेजरली कुछ फिर समझ ही नहीं आया, समझ ही नहीं आया, कंफर्ट उनको अलग ही लेवल का लगा, टाटा नहीं लगी फिर उनको, टाटा नहीं लगी, टाटा नहीं लगी। मैं आपको पीछे वाला स्पेस दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं कभी पीछे वाली सीट पे नहीं गया हूँ इसकी। यार स्पेस तो काफी अच्छा है, थर्ड रो पे हूँ मैं, और ये देखिए नी रूम मेरे को सफिशिएंट मिल जाएगा। हेडरूम मैं कह सकता हूँ थोड़ा सा कम है, पर बाकी मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी थर्ड रो। एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी मिल जाता है आपको पीछे, यहाँ पे एक हुक है, यहाँ एक ट्रंक लाइट है, वो भी अभी आपको दिखाऊंगा मैं। ये शायद यहाँ पे, अरे ट्विन का फोल्डर्स भी हैं पीछे, यहाँ पे दोनों साइड पे है, एंड इवन आपका 12 वोल्ट का एक चार्जर भी है यहाँ पीछे। पीछे का लुक गाड़ी का कुछ इस हिसाब से आ जाता है। अभी भाई का थोड़े दिन पहले ही कोई आया पीछे से थार वाला, और उसने मार दिया, तो ये जो बम्पर गार्ड था पीछे का उसने बचा लिया। वैसे तो अभी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। हाँ, बैन कर दिया उसके लिए तो है यार, अच्छी चीज है। तो एक बार बूट स्पेस दिखा देता हूँ मैं आपको। पूरी रोज अप होने के बाद इसमें कुछ 120 लीटर्स के आसपास का बूट स्पेस आपको मिल जाता है। यहाँ पे नीचे कुछ सामान, टूल किट है, टूल किट एकदम नेक्स्ट लेवल। नहीं नहीं, काफी अच्छी टूल किट है, सारा सामान आ जाता है। गाड़ी हैवी है तो बड़ा जैक भी देना पड़ता है इसमें। और यहाँ पे आपको जो हम लोग सबवूफर की बात कर रहे थे, वो यहाँ मिल जाएगा आपको। तो की कुछ इस तरीके की आ जाती है गाड़ी में, फ्लिप की है। तो गाइस देख सकते हो 87,000 किलोमीटर ये गाड़ी चला ली है, मतलब अच्छा खासा अपना रन रहा है इसमें, है ना जी। तो कैसा रहा वो सब एक्सपीरियंस अपना इसमें, मतलब कैसा परफॉर्म किया गाड़ी ने? 87,000 काफी होता है। सबसे लंबी ट्रिप कहाँ की मारी है इसमें? सबसे ज्यादा लंबी ट्रिप इतनी तो नहीं मारी है, लेकिन कह सकते हैं एक ही दिन में 600 किलोमीटर का सफर मैं कर चुका हूँ। अच्छा, एक ही दिन में? एक ही दिन में। तो वो काफी मजेदार एक्सपीरियंस, काफी मजेदार एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि जो एक बॉडी फिटिंग होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं बराबर ही था। मतलब अगर मेरे बॉडी वेट में आपको बॉडी फिटिंग नहीं हो रहा है, तो फिर किसी में तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी में होगा। नहीं होगा यार, ये बात तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखिए एक ये एक्सटेंशन अलग से चीज दी हुई है, साइड एक्सटेंशन दिए हुए हैं इसमें, एंड ये एक मिरर दिया हुआ है लाइट्स है। हाँ हाँ, तो ये काफी यार अच्छा। बाकी इंटीरियर की बात की जाए तो यार इंटीरियर थोड़ा बेसिक है गाड़ी का, और मतलब ये वाला पार्ट काफी अच्छा लगता है मुझे। और यहाँ पे आपको दो वो मिल जाते हैं यार, एक बार दिखा दो, ग्लव बॉक्स डबल है, इल्यूमिनेटेड प्लस इसमें वो भी है, कूल्ड भी है, कूल्ड ग्लव बॉक्स एक ये है, और एक आपका ये थोड़ा सा छोटा है, बड़ा दोनों मिलके कंपनसेट कर देते हैं अच्छे इस चीज को। और जो मैं 10 स्पीकर की बात कर रहे थे, एक ये एक्स्ट्रा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और आपको मैं इसका एक बार बैक कैमरा दिखा देता हूँ गाड़ी का। बैक कैमरा उतना क्लियर क्लैरिटी वाइज नहीं है। हाँ हाँ, तब भी इसमें यार गाइडलाइंस आ जाती हैं, अडेप्टिव गाइडलाइंस, जो कि काफी गाड़ियों में नहीं आती नहीं है। अच्छा सूर्यकांत भाई, जैसी अपनी बात हुई थी कि जेब पे कितनी पड़ती है एवरेज, अब बताई दो आप व्यूअर्स को। एवरेज में आप इस पे चले जाइए डिस्प्ले पे, एवरेज अभी ये 15.5 का दे रही है। हाँ। और ये अभी सिटी रन का एवरेज है, सिटी रन का। और हाईवे पे भी मतलब मैं 16 निकाल लेता हूँ मैं, क्योंकि ओवर स्पीड करता नहीं हूँ, 100-110 तक रखता हूँ, लेकिन मुझे 16-15 का एवरेज देके ही जाती है, देके जाती है। समझ में डाउन होता है क्योंकि एसी चलता रहता है। हाँ, तो अराउंड 14.5 जाता है, बाकी एवरेज से मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, एज सच मुझे नहीं आई। सर्विस कॉस्ट पहली जो सर्विस हुई थी, मतलब जिसमें आपने पैसे ज्यादा लगते हैं, 20,000 पे हुई थी, तुमने बता रहे थे, उसमें मेरा कॉस्ट आया था सिर्फ 7,500। 7,500 काफी कम है यार, हैरियर में ज्यादा ले लिए 10,000 में हैरियर, क्योंकि फिर उसके बाद नया वो तो सब बातें, चीजें भी महंगी है। फिर अभी सर्विस कॉस्ट महंगी हो चुकी है, टाटा ने बढ़ा दिए हैं रेट्स, एंड अभी जो मेरी 80,000 पे हुई है सर्विस, उसमें सारे अपने इंजन ऑयल्स, जितने भी बॉडी के ऑयल चेंज होते हैं, आपका क्लच ऑयल, स्टेयरिंग ऑयल, गियर लीवर ऑयल, टोटल कॉस्ट अभी मेरा 14,000 अराउंड 15,000 आया है। ये 80,000 का मेजर सर्विस है, डिफरेंशियल ऑयल चेंज हुआ है। हाँ हाँ, मतलब एज सच अगर आप बेसिक सर्विस कॉस्ट देखें, जिसमें आपका इंजन ऑयल, कूलेंट चेंज होता है, एयर फिल्टर चेंज होते हैं, और बेसिक जो आती है, वो 10-11,000 के अंदर ही रहती है।
10-11,000 का। मैं सबसे बड़ा पॉइंट बताऊंगा, ये आपका 20,000 पे है। हाँ, 20,000 किलोमीटर पे इसका ऑयल चेंज होता है। और अगर इस लेवल पे मैंने जैसे बताया इनोवा है, इनोवा का आपको हर 10,000 पे ही उसका ऑयल चेंज करवाना है। वो तो होता ही है नॉर्मल गाड़ियों में, सब में ऐसे ही हो गया आजकल। 10,000 पे आप ऑयल चेंज कराओ, मेन बाकी सर्विस कराते रहो, और हर 10,000 पे आपके 10,000 रूपए भी लगने तय है, इतने लग ही जाते हैं। और एक चीज मैं दिखाता हूँ, आज की गाड़ियों में तो बिल्कुल नहीं देखने मिलने वाला आपको, एक SD कार्ड होल्डर भी है इसमें, तो ये तो आपको आजकल कभी नहीं मिलने वाला। ये लास्ट ही थी मेरे को लगता है जो गाड़ी ने दिया है, आज की डेट में आपको नहीं देखने मिलने वाला। एक्चुअली फीचर दिए तो हुए हैं, ये टच स्क्रीन आप देख सकते हैं, वो ये थोड़ा सा तो है, नेविगेशन है वो किसी काम का नहीं है। हाँ, इनका जो ऐप है कनेक्ट नेक्स्ट, काफी मेहनत लग रही है इसको यूज करने में, टच स्क्रीन को यूज करने में। मैं कई बार तो यूज भी नहीं करता हूं, मैं बटन से ऑपरेट बटन से ही कर लो वो सही है। सूर्यकांत भाई से सारी बातें जान ली टाटा हेक्सा के बारे में, वो सेटिस्फाइड भी है इस गाड़ी के साथ, ऐसा नहीं है कि हाँ मोर देन इनफ सेटिस्फाइड है कि उनको कोई प्रॉब्लम लगी हो। तो एक बार गाड़ी को चला के देखते हैं, फिर मैं बाकी बातें आपको वहां बताता हूं। तो गाइस अब हम चला के देखने वाले हैं अपनी हेक्सा को, तो मैं काफी एक्साइटेड हूं क्योंकि मैं पहली बार चलाने वाला हूं। और जब भी ये गाड़ी मैं देखता था, मैं सोचता था कैसी चलती होगी, हैरियर से ज़्यादा है इसमें पावर जैसा मैंने आपको पहले बताया। तो देखते हैं चला के इसको। तो जो इसमें इंजन आ जाता है वो टाटा ने खुद डेवलप किया था, वेरिकोर इंजन आ जाता है 400 वाला। तो भाई ने गाड़ी जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया 87,000 किलोमीटर वो चला चुके हैं, उसके हिसाब से मैं अगर परफॉर्मेंस देखूं तो क्लच थोड़ा सा मुझे हैवी लग रहा है अभी, पर एक्सेलरेशन तो काफ़ी अच्छा है गाड़ी का। उसमें जब स्पोर्ट्स मोड लगाओ तब वो बिल्कुल इसके टाइप चलने लगती है, ये अभी चल रही है। इसमें डायनेमिक मोड भी है मैं देख रहा हूँ, डायनेमिक मोड वो अभी अपन एंगेज करके देखेंगे। बाकी स्टीयरिंग रिस्पॉन्स थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है क्योंकि हैरियर को और ज्यादा डेवलपमेंट में टाइम लगा था। हाँ। तो उसका तो ऑब्वियसली ज्यादा अच्छा होगा इससे। अभी देखते हैं टर्न करके कि बॉडी रोल कितना है, क्योंकि मैंने सुना है इसमें थोड़ा बॉडी रोल का इशू है। हाँ। क्योंकि गाड़ी काफी बड़ी है और टाटा ने पीछे तक इसमें काफी 19 इंच के अलॉय व्हील्स भी है इसमें। बॉडी रोल तो हो गई यार इस गाड़ी में, नहीं होगा तो लैडर फ्रेम है इस कारण भी है। तो गाइस जैसा भी हमने स्पोर्ट्स मोड गाड़ी में डायनेमिक मोड लगा चुके हैं, आज की डेट में टाटा इसको स्पोर्ट्स मोड कहता है, पहले डायनेमिक था एक्स्ट्रा में अपनी। तो परफॉर्मेंस में देख रहा हूं मेरे को बहुत ज्यादा डिफरेंस ऐसा नहीं लग रहा है, तुम्हें लगता है कि सूर्यकांत में ना? नहीं नहीं, यूजुअली मैं ऑटो मोड पे ही चलाता हूं। अच्छा, डायनेमिक में एक स्लाइड सा जो आपको ऑटो में एक लैग समझ में आता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा उसमें आपको हेल्प कर देता है कि लैग उतना नहीं आता है। थोड़ा सा भी रफ रोड है, देखते हैं गाइस परफॉर्मेंस। सस्पेंशन भी देखा जाए तो गाड़ी के काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं 87,000 किलोमीटर चलने के बाद, क्योंकि सस्पेंशन की ट्यूनिंग मुझे समझ में आ जाती है गाड़ियों में कैसी रहती है, इसका मुझे काफी अच्छा लग रहा है सस्पेंशन। जबकि 87,000 चला चुका, आज तक सस्पेंशन का कोई काम आया है कि? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं आया, कभी नहीं आया, कभी नहीं काम आया। कई लोगों को इसका पीछे का डिजाइन नहीं समझ पसंद आता, वो मुझे पता है, थोड़ा सा टाटा अगर उस पे और काम कर लेता ना तो ये और ज्यादा बिकती। मे बी इसको स्पेशियस बनाने के चक्कर में थोड़ा सा बॉक्सी फील रखा है। तो गाइज एक छोटी सी प्रॉब्लम है एक दो जो सूर्यकांत भाई अपन को बताने वाले हैं। तो सूर्यकांत भाई क्या है वो, क्लैडिंग की कुछ बात बता रहे थे आप मुझे। एक ही क्लैडिंग जो है ये थोड़ा सा फिटमेंट इसके आप बोल सकते हैं, हिल जाती है ना, ये हिल जाती है। यूजुअली कई लोग पैर रख के जैसे चढ़ जाते हैं तो ये उतना वेट नहीं ले पाती है, ये जगह से निकल जाती है। हाँ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। एंड ये चीज है, ये जो साइड पैनल बोल सकते हैं जो दिया हुआ सीट का, हाँ। ये इसका प्लास्टिक मटेरियल उतना अच्छा नहीं, अच्छा नहीं निकल, ये निकल जाता है ये मेरे हिसाब से। तो यही कोई छोटी मोटी नेट पिकिंग चीज हम लोगों ने ढूंढ के दे दी आपको। और भाई बता रहे थे जैसे इसका जो आर्म रेस्ट है वो उतना सफिशिएंट नहीं है अगर दो लोग हाथ रखें, मेरे हिसाब से यहाँ तक होना था पूरा, पर जो अपना हैंड ब्रेक है उसकी वजह से उन लोग पूरा नहीं कर पाए इसको। इवन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि इसका बॉडी वेट अराउंड 2 टन्स के हिसाब से है, जितना भी बॉडी वेट है, और उसके हिसाब से हैंड ब्रेक सफिशिएंट नहीं है। नहीं, हैंड ब्रेक का है इशू, इशू है। आप जितनी बार टाइट कराएंगे वो लूज होता है। अच्छा, हैंड ब्रेक लूज हो जाता है। लूज हो जाता है जी। तो ये छोटी मोटी चीजें एक एक्सपीरियंस ओनर ही अपन को बता सकता है। यही तो पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस टाटा हेक्सा का जो सूर्यकांत भाई ने अपन को दिया।
तो सूर्यकांत भाई से मिलकर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और सूर्यकांत भाई एक बार व्यूअर्स को बता दो अपन को क्या बोलना है आखिरी में। सब्सक्राइब करें भाई, बहुत मेहनत कर रहा है एंड बहुत अच्छा कंटेंट है भाई। हां तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सूर्यकांत भाई से अगर मिलना है तो वीडियो को जरूर लाइक करना। नेक्स्ट टाइम सूर्यकांत भाई आएंगे, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कोई भी क्वेश्चन हो हेक्सा को लेके या टाटा की किसी भी कार को लेके। तो गाइज यही था वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।